नमस्ते, मैं हूं मानव, आप देख रहे हैं जनता शो। विपक्ष के तीखे हमलों के बीच अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को दिल्ली की जनता ने खूब सारा प्यार दिया। यही वजह रही कि लगातार तीसरी बार आम आदमी पार्टी दिल्ली की सत्ता पे काबिज होने में सफल हो गई। आप, ये वो नाम है जिस पर दिल्ली की गली गली में लोग विश्वास कर रहे हैं, भरोसा कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि इस पार्टी का नाम ही इतना प्यारा है कि उससे ही उन्हें जुड़ाव सा महसूस हो जाता है, इसलिए वो किसी और पार्टी पर भरोसा करने के मुकाबले आम आदमी पार्टी पर ही दाव खेलना ज़्यादा सही समझते हैं। आखिर इस भरोसे की नींव जो है वो कहाँ से रखी गई, कैसे पार्टी का नाम रखा गया, किसने रखा, इस वीडियो में हम आपको यही सब बतलाने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। अन्ना आंदोलन खत्म हो गया था। आंदोलन के बाद ये तय हुआ कि अब राजनीतिक दल के रूप में ही आगे की जो लड़ाई है उसको लड़ा जाएगा। अन्ना हजारे की नाराजगी के बावजूद केजरीवाल के घर पर नाम की माथापच्ची शुरू हो गई। अरविंद केजरीवाल, प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव और कुमार विश्वास जैसे कई चेहरे इस उधेड़बुन में लग गए। अब जैसा कि कोई भी नाम सोचने में अमूमन होता है, इसमें भी हुआ। अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके के नाम सुझाए। योगेंद्र यादव का साफ कहना था कि पार्टी का नाम कुछ ऐसा रखा जाए जिसमें स्वराज शब्द आ जाए, जबकि केजरीवाल और कुमार विश्वास जो थे वो लगातार इस बात को कह रहे थे कि दूसरी पार्टियों की तर्ज पे कोई नाम हमें नहीं रखना है, सभी को कुछ ऐसा खोजना होगा जो आम लोगों को अपील करे। कई दिनों तक चर्चा चलती रही लेकिन किसी को नाम सूझ ही नहीं रहा था। सभी को चिंता होने लगी। पार्टी का नाम सोचने के लिए कई आदमी लगे हुए थे जिससे आसानी से नाम ढूंढा जा सके, तलाश की जा सके। ख़ास बात ये थी कि जो कोई भी पार्टी का नाम सुझाता था उसको ये भी लॉजिक देना पड़ता था कि आखिर क्यों ये नाम लोगों के दिमाग में ठीक बैठेगा। तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों और अन्ना आंदोलन से जुड़ी लोगों की भावनाएं क्या इस नाम में निहित हैं, आदि ऐसे सवाल भी पूछे जाते थे। एक दिन शाम करीब 6 बजे केजरीवाल कुमार विश्वास के साथ बैठे हुए थे, तभी दोनों के दिमाग में कुछ कौंधा यानी आया। अचानक योगेंद्र यादव के पास फ़ोन किया गया और उन्हें कहा गया कि कुछ ध्यान में आया है। योगेंद्र यादव थोड़े बिजी थे, उन्होंने कहा कि हम अगले दिन सुबह मिल लेंगे, तो उन्हें कहा गया कि अभी मिलना है, सुबह तक का इंतज़ार हमसे नहीं हो रहा। योगेंद्र यादव ने कहा ठीक है, मिल लेते हैं। योगेंद्र की हामी के बाद सभी लोग प्रशांत भूषण के घर पर इकट्ठा हो गए। रात के 10 बज रहे थे, ये वो टाइम था जब मीटिंग शुरू हुई। बैठक चली तो अरविंद ने पार्टी का नाम सभी के सामने रख दिया, आम आदमी पार्टी। यही वो नाम था जो कुमार विश्वास और अरविंद केजरीवाल के दिमाग की उपज थी। प्रशांत भूषण को ये नाम सही लगा, उन्होंने फौरी तौर पे कह दिया कि नाम बहुत अच्छा है, मैं एग्री करता हूँ। लेकिन मीटिंग में कोई ऐसा बंदा भी था जिसको ये नाम अच्छा नहीं लगा, वो शख्स थे योगेंद्र यादव। योगेंद्र के मुताबिक वो ऐसा नाम चाह रहे थे जिसमें स्वराज शब्द ज़रूर शामिल हो। योगेंद्र ने आम आदमी पार्टी के नाम पर तब सवाल उठाते हुए मीटिंग में कहा कि उन्हें डर इस बात का सता रहा है कि कहीं जनता यानी आम पब्लिक आदमी शब्द का मतलब मर्द से ना ले ले, अगर ये हो गया तो महिलाओं के बीच में गलत संदेश जाएगा जो कि नई नवेली पार्टी के लिहाज से बिल्कुल सही नहीं होगा। बाद में जब योगेंद्र ने देखा कि इस नाम को पसंद करने वालों की जो संख्या है वो ज़्यादा है और प्रशांत भूषण जैसा दिग्गज आदमी भी इसको पसंद कर रहा है, तो उन्होंने भी हामी भर दी। हालांकि वो दिल से खुश नहीं थे। तारीख थी 26 नवंबर और साल था 2012। यह वो दिन रहा जब आम आदमी पार्टी की शुरुआत कर दी गई यानी स्थापना उसकी कर दी गई। पार्टी का जो दफ्तर था वो कौशाम्बी में बनाया गया। पार्टी बनाते ही फील्ड पर मेहनत शुरू हो गई। साल था 2013, ये वो साल था जब दिल्ली में इलेक्शन हुआ। आम आदमी पार्टी के बेहतरीन प्रदर्शन के बाद योगेंद्र को भी अंदाज़ा हो गया कि शायद कहीं ना कहीं वो गलत थे और आम आदमी पार्टी नाम ही सही था। बस उस दिन के बाद से आम आदमी पार्टी पूरी दिल्ली में लोगों को अपने साथ जोड़ने में लगी रही। कारवा इतना जुड़ा कि लगातार तीसरी बार दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई। अगर उस दिन केजरीवाल और कुमार विश्वास ने दिमाग ना चलाया होता तो शायद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी का नाम कुछ और ही सुनने को मिलता। आज भले कुमार विश्वास, योगेंद्र यादव जैसे फाउंडर मेंबर जो थे वो पार्टी को छोड़ गए हों, लेकिन आम आदमी पार्टी बिना रुके बिना थके लगातार ऊंचाइयों को छू रही है और ये एक पार्टी के लिहाज से जो खासकर नई नवेली है, अभी ज़्यादा पुरानी नहीं है, उसके लिहाज से बहुत बढ़िया है। बाकी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा।